इसके साथ साथ मैंने सोचा था कि जो 90 वर्ष से जो ज्यादा के जो भूपुरुष में द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ सैनिक हैं, जिसमें से सिर्फ बटालियन में सत्सार आरआर बटालियन में जो कि मूल जो उनकी यूनिट थी 26, कितना बड़ा साहस कार्य इन्होंने 15-16 अगस्त 2000 उनका भी हमारे बीच में बहुत बड़ा योगदान है। वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके जो बार कैजुअल्टी के एक हुए हैं तो इनको हम सम्मानित कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों के साथ साथ और बहुत अनुशासित हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, तो उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा। गणित जितेंद्र पाठक जी उपस्थित नहीं है, उनमें हमारी श्रीमती भमरी बाई जी हैं जो सेकंड वर्ल्ड वार के एक भूतपूर्व सैनिक की पत्नी है। प्राइमरी चेकअप हुआ है, उसमें से 5 पेशेंट उनके भी बताया है निकले, चिन्हित किया गया है। दूसरी सब उनके बाद हम प्रैक्टिकली रेफर करेंगे। और यहाँ पे नार्मली और डिटेल टीम में और जो भूतपूर्व सैनिक सभी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। जो यहाँ पे फाइटर्स हैं वो सब आ रहे हैं। और यहाँ पे अपना सब गुरु का सेंटर भी है, वहाँ पे प्राइमरी चेकअप की जाँच भी करा सकते हैं, वहाँ पर रेफर कर दिए। पूरा नाम आपका? मैं सिंगला श्रीकौर जबलपुर से आया हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर ये राज्य स्तरीय जो जिला स्तरीय रैली हुई है, उसमें हम लोग ने स्पर्श के बारे में जानकारी, जो कि हमारे आजकल पेंशन में जितना भी सर्विस पेंशन जितने भी पेंशन्स हैं हमारे ट्राई सर्विसेज में, जो कि स्पर्श के बारे में स्पर्श से के थ्रू हो गई है पेंशन। पहले हमारी होती थी बैंक के थ्रू, CPPC और PCDA के थ्रू आती, आजकल सारी स्पर्श के थ्रू PCDA से डायरेक्ट पेंशन आ रही है। उसमें क्या होता है कि हमारे में स्पर्श का एक लॉगिन होता है, जिसमें कि हमारी पेंशन से रिलेटेड सारी समस्याएँ और स्पर्श का PPO बनता है। उसके बारे में हमारे पास आकर के कुछ लोगों के यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोगों के जो हमारे पुराने एक सर्विस मैन हैं, उनको जानकारियाँ नहीं है हमारा स्पर्श कैसे चलाना है, कि कोई भी नेट पर चलता है। उसके बारे में हमने उनका यूजर आईडी क्रिएट किया, पासवर्ड बनाया, और इसके बाद में वो अपना PPO देख सकते हैं, उसमें पेंशन देख सकते हैं, पर मंथ की सैलरी देख सकते हैं, स्पेशली देख सकते हैं कितनी पेंशन मेरी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। और इससे रिलेटेड अगर उनके लाइफ सर्टिफिकेट है तो वो स्पर्श में ही जानी पड़ेगी। पहले हमारे पेंशनर क्या करते थे, बैंक में जाते थे, हर एक को बैंक में जाना पड़ता था नवंबर और दिसंबर के महीने में। अब जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, उनको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, उनको घर बैठे करना पड़ेगा। अगर उनके पास थंब इम्प्रेशन है, बैंक कैफे में जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे देंगे, जिससे उनकी पेंशन हम साल चालू रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है हवलदार राजबहादुर, मैं सिंगल स्पॉट जबलपुर से हूँ। से रिलेटेड जो भी बेरोजगार लोग आ रहे हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो मिनिमम 5वीं पढ़ा पास हो और उसको हिंदी पढ़ता लिखना आता है, और जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हम उन लोगों के लिए यहाँ आए हैं, उनको रोजगार दे देंगे। ट्रेनिंग सेंटर, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर उनको 45 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद पैन इंडिया के अंदर उनको रोजगार देते हैं। गिफ्ट और प्राइजेस दे के अभिवादन करा दें। आप लोगों का ही बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। बैंक ने जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, उसका मेन जो फोकस है, मेन जो गोल है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। एक बैंक है, उसका 3 लक्ष्य होते हैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड करने का। एक हो गया आपको सर्विस, आपको सर्विस सबसे अच्छी मिलनी चाहिए। डिफेंसेस के लिए आपने सर्विसेज के लिए अलग से ही एक हेल्पलाइन नंबर मुहैया करवाया है, जिसमें आप जाएंगे, आप कॉल करेंगे, बहुत बार कस्टमर सर्विस का रहता है। आप ब्रांच जाएंगे, ब्रांच में अलग से एक आपको एम्प्लॉई है जो कि सिर्फ डिफेंस ऑफिशियल और रिटायरी है, उनको अभिवादन करता है। तो सर्विसेज हो गया, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट, और तीसरा हो गया लोन। आपको कभी भी लोन की ज़रूरत हो, बैंक तत्पर रहे आपको लोन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत हो आपको इन्वेस्टमेंट देने के लिए, तत्पर बोलो। अब पहली चीज़ हम आते हैं सर्विसेज पे। अभी सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे वेटरन्स हैं, सर्विंग कम है,
तो आपका एक स्पर्श पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है आर्मी से। पहले क्या रहता था, आप डिफेंस की जो भी सारी रहती है, एक अलग ही एहसास होता है सबको मिलना। वर्ल्ड वॉर टू के वेटरन से भी देखा मैंने, दूसरे सैनिक क्रेडिट कार्ड जो हमने सिर्फ डिफेंसिस के लिए लॉन्च करा है। तीसरा आपका डीएस सारे अतिथिगण, कैप्टन सिसोदिया साहब, कैप्टन श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये चांस देने के लिए। प्लस सारे भूतपूर्व काल के दौरान में उनको भी अभी जो है लिव लाइफ पेंशन जो है मिल गया है, ये भी एक शहीद के दर्जे में इनको दिया गया है। इसके लिए भी बहुत प्रयास किया, तो उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ इनको स्वागत करने के लिए। के ऊपर फायर खोल दिया जिससे तीन जवान घायल हो गए और एक जवान शहीद हो गया। इनके दोनों पैरों में गोलियां लगी हुई हैं, दोनों पैर गोलियों से चलनी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लिए इनका जज्बा। सैनिक का जो है जज्बा, सैनिक की हिम्मत, देखो भाई आपको पता होना चाहिए कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे कितना कि सारे भूतपूर्व सैनिक एक छत के नीचे मिले और आपस में उनके बीच में संबंध बने रहे, एक उनकी पेंशन संबंधी समस्या और ECHS संबंधी समस्या, CSD की संबंध समस्या, दवाइयों की समस्या और रिकॉर्ड ऑफिस की समस्या, बैंक से संबंधित पेंशन से कैसे लोन प्राप्त करते हैं, DSP अकाउंट खुलवाने से क्या फ़ायदे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर कैंप भी लगवाए गए हैं उनके लिए। और रोज़गार की कंपनियाँ भी आई निजी क्षेत्रों की, तो वो उन लोगों को रोज़गार में भी दे रही हैं। तो इस तरह से ये सब इस रैली में अरेंजमेंट रखा गया है। गुना जिला और अशोक गुना अशोकनगर और शिवपुरी तीन जिलों से यहाँ पर सैनिकों को सबके लिए है, सैनिकों के लिए, सैनिक की विधवाओं के लिए और उनके सैनिकों के परिवारों के लिए, तीनों सबके लिए भोजन पानी। मेरा नाम रुचि भदौरिया, मेरा सहायक श्रेणी 2 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गुना। क्या नाम है? मैं नायब सूबेदार GL पाटीदार, मैं सिग्नली कार्ड जबलपुर से आया हूँ। यहाँ पे जो भी हमारे 140 मैन आए हैं उनका स्पर्श की जो ID है और उनके परिवार से जो भी उनकी रिलेटिव जो भी हमारी उनकी प्रॉब्लम है उनको हमने देखा, उनको हमने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया। उनकी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी हम उसको लिख के लेके जा रहे हैं, हमारे लायक जो होगी हम उसको सॉल्व करेंगे और आगे उसको प्रोसेस करेंगे। और जो पेंशनर दाता है, जो पेंशनर ले रहे हैं, उनकी भी अगर कोई इस टाइप की अगर प्रॉब्लम हमारे से जो उन्होंने हमको बताई है उसकी हमने पूरी पूरी जानकारी उनको देने की कोशिश की है। और इस टाइप की अगर कोई हमसे हमारे द्वारा कोई जानकारी उनको हमने उनको दिया है तो उसमें अगर और भी हम कोई सुधार की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। स्पर्श में आजकल नया पोर्टल खुल गया है जो ऑनलाइन हो गया है, उसमें अगर वो स्पर्श में ID खोल देता है तो उनको ऑनलाइन ही उनके मोबाइल पे OTP आकर उनको जानकारी मिलती रहेगी। और सर बेसिक क्या क्या जानकारी, बेसिक जानकारी मेनली किसी का परिवार जो यहाँ के आसपास के गांवों से जो आर्मी के बारे में नहीं जानता है और उनके परिवार को पेंशन लेने का हक है और पेंशन नहीं मिल रही है तो उसकी जानकारी भी हमने यहाँ से प्रोवाइड किया है उनको। जी मेरा नाम एक्स सर्विसमैन नायक मान सिंह। देखिए हम जो भूतपूर्व सैनिकों के एक वेलफेयर मेला है, इसमें हमारे परिवार के दुख सुख की बातें और हमारे आने वाली जनरेशन अपने बच्चों के भविष्य के लिए और रोज़गार के लिए और हम सैनिक कल्याण के लिए ये मेला हर 1-2 साल में लगाया जाता है। उसके लिए चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के माध्यम से जो योजना जन कल्याणी योजना है भूतपूर्व सैनिकों को उनको विस्तार रूप से पहुंचाने के लिए ये मेला रखा गया है। इसमें सिविल और डिफेंस के सारे अधिकारी आते हैं और इनकी जानकारियां दी जाती हैं। जैसे बच्चों को एजुकेशन के लिए है, जैसे बच्चों को जॉब के लिए है, चाहे बच्चों के लिए रोज़गार के लिए है, उन सारी सुविधाएं जो होती हैं उनके लिए जो नए अपडेशन आते हैं सरकार के लिए चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के लिए, उसके लिए ये ऐसे मेला रखे जाते हैं जिससे कि लोगों तक सूचना और पहुंच जाती है। और इसमें जो हमारे
वीरंगनी माताएं हैं जो जिनके पति शहीद हो गए उनको सम्मानित करना, उनको समय समय पे जो सरकार की लाभकारी योजना है उन्हें चलाना, उन तक पहुंचाने के लिए ये मेला रखा जाता है। क्या नाम? मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं विकास अधिकारी हूँ LIC में, पूरा मैं प्रदस्त हूँ अभी। हाँ सर, आज जो मेला लगा शहीद तो उसमें आपने किन किन कितने अभी हम लोगों के करीब 11 लोगों को हमने अभी तक LIC के बारे में समझाया है, LIC की एजेंसी के लिए समझाया है, और LIC की एजेंसी के साथ आप काम करके इंश्योरेंस की अवेयरनेस फैलाने का हमारा मेन मिशन जो LIC का वो यही है कि गांव-गांव तक जाना है और इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस फैलानी है, मेन मिशन यही है हमारा। और टोटल कुल मिला के हमने 11 लोगों को अभी तक समझा चुके हैं LIC। नमस्कार जी, मैं ऑनरी कैप्टन महावीर सिंह सिसोदिया, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हूँ। सर आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज हमने जो भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार, वीर नारी और जो युद्ध में हताहत जो सैनिक हुए हैं उनके लिए ये जो सैनिक रैली का कार्यक्रम है ये 3-4 साल में एक बार होता है, वो हम लोग करवाते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जो है बाहर से रिकॉर्ड्स जो हमारे जो इनको जो ECHS की जो सुविधा मिलती है वो कुछ डॉक्टर्स और कुछ बाहर से बैंकों को बुला करके उनको सभी तरह को जो कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, उनको जो है आपस में किसी तरह की समस्या है उसका समाधान करना, इस तरह का जो है कार्यक्रम हम 3-4 साल में एक बार रैली करते रहते हैं, तो वही कार्यक्रम हमने यहाँ पे आज आयोजित किया है। तकरीबन 300 के करीबन लोग आज जो आए हैं और उनको सबको किसी न किसी रूप में जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान किया गया है और उनको जो है हमने लाभान्वित किया है। हमारे पास में गुना, शिवपुरी और अशोकनगर 3 जिले हैं और 3 जिलों के भी दूर दराज जो क्षेत्र हैं जो अपनी उनकी जो है तहसील है उनसे भी लोग सभी आए हैं और उनको सबको ही हमने यहाँ पे लाभान्वित किया है। भानु राव निकम है और मैं जिला सैनिक बोर्ड समिति का मेंबर हूँ। जैसा कि आपको विदित होगा आज यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक रैली थी आज यहाँ, और 3 जिले के लोग आए हुए थे, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना। तो यहाँ पे फौजियों की जो भी पेंशन संबंधी समस्या या स्वास्थ्य संबंधी समस्या, तो जो भी जिस तरह की भी समस्याएं हैं उसके निदान के लिए अलग अलग रिकॉर्ड ऑफिस से अलग अलग अधिकारी, पेंशन अधिकारी, ये सब बाहर से आए हुए थे। बहुत सारी कंपनी आई थी जो इन्होंने यहाँ पे भर्ती रैली में ज़रूरतमंद के लिए कुछ जॉब ऑफर लेटर उपलब्ध कराए। तो मेरी जानकारी के अनुसार जैसा मैंने अभी यह मंच पर देखा, लगभग अलग अलग कंपनियों के सब कुल मिलाकर 37 लड़कों को जॉब लेटर दिए गए हैं। उनमें से मेरी भी कुछ पेंशन संबंधी प्रॉब्लम थी जो मैंने यहाँ पर नोट करवाई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि निकट भविष्य में जल्दी ही वो मेरी समस्याओं का समाधान कराकर वो मेरे को खबर करवाएंगे। और यहाँ पर सब फौजियों की सुविधा के लिए आने जाने का किराया उपलब्ध कराया, यहाँ पर नाश्ता, यहाँ खाने की व्यवस्था रखी गई, और सबसे बड़ी बात जो कैंटीन सुविधा जो यहाँ पर नहीं है वो अस्थायी रूप से कैंटीन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जो यहाँ से पास में SF बटालियन के कैंटीन शॉप से। तो सब कुल मिला के प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, सब दूर के लोग आए थे, अलग बैंकिंग वाले भी आए थे और स्वास्थ्य जांच केंद्र वाले भी आए और नेत्र जांच केंद्र, और इस तरह मतलब सभी तरह की सुविधा से लैस थी ये पूरी रैली, और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, हमको बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। पहली बार ऐसे रैली संपन्न हुआ है पूर्णिया जिले में। सर नमस्कार, मैं इंडियन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन एजेंसी गुना से हूँ। हम लोग 2021 से गुना लोकल में काम कर रहे हैं, हमारा ऑफिस जाट मोहल्ले में रेलवे स्टेशन के सामने स्टेबलिश है। हम लोग एक ऐसे सेक्टर में लोगों को जॉब देते हैं जो लोग रोजगार नहीं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे हैं, कुछ हाईली एजुकेशन है, बट उनके लिए रोजगार का एक माध्यम नहीं मिलता, वो रोजगार कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ढूंढते हैं और बेरोजगार रहते हैं, फिर बेरोजगार रहते हैं तो फिर सरकार को दोष देते हैं। बट हम लोग गुना में स्टेबल हैं और हम लोग चाहते हैं जो भी बेरोजगार लोग स्किल्ड अनस्किल्ड गुना में, गुना के अलावा ऑल MP में, UP में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यहाँ भी वो लोग जॉब करना चाहते हैं, उनके स्किल्स, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग बैंकिंग एंड अदर सेक्टर्स में उनके लिए जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे जो लोग जिनको रोज़गार की तलाश है और रोज़गार के लिए आना चाहते हैं। जी सर,
सर आज यहाँ पर जो कैंप लगाया है इसमें आज हमने चूँकि आज थोड़ा सा कम वैसा माहौल रहा है तो आज हमने एक सर्विस मैन को सिलेक्ट किया है, इसमें से हमने दो सर्विस मैनों को सिलेक्ट किया है एज आ सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए। इनका सैलरी ऑलमोस्ट 35,000 रुपये रहेगा। ठीक है सर, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना। जैसा कि हमारे कंपनी की वेबसाइट पर आप जाएंगे उसमें लिखा हुआ है, हम लोगों को रोज़गार की ओर अग्रसित करते हैं। रोज़गार के साथ में स्वरोजगार प्रोग्राम हमारे यहाँ कई सारे रहते हैं, हम स्वरोजगार के लिए भी लोगों को बताते हैं ताकि रोज़गार जॉब प्लेसमेंट के लिए आएँ, जॉब करें और बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन कम करते जाएँ, कम होती जाए। ओके सर।